वैसे तो सरकार गैस चूल्हा को उपयोग करने संबंधी जागरूकता अभियान चलाने में लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन फिर भी प्रतिदिन खाना बनाते समय आग लगने संबंधित अनेक मामले सामने आते हैं। और इसी क्रम में हाथरस जनपद के जंक्शन थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में भी एक घटना घटित हुई, जिसमें खाना पकाते समय 18 वर्षीय युवती गंभीर रूप से जल गई। युवती को हाथरस के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां सुविधाओं का अभाव व गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए डॉक्टरों ने उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया। मैंने कही खाना बना दिए बेटा, तो लकड़िया में पूरा परेशान है कि आओ अमीर सो का कहता है खाना बना रहे गई सो वहाँ से भबर गई सो मौत जर गो यहाँ से सुख जाते गई। इसकी सूचना हमने पुलिस को दी, पुलिस एक सिपाही आए गई वहाँ और सूचना ना गई। अब हाल ही तो बात है जी, मेरे संज्ञान में आया, लखनऊ से मेरे पे फोन आया था कि वो 70% बर्न है और उसके लिए ऐसी हालत में मेडिकल कॉलेज जाना जरूरी है। उसकी हालत मतलब जीसी बहुत ही पुअर है और हमने उसी सुसज्जित गाड़ी के द्वारा भेजा है जो साधन ने उपलब्ध कराई है, जिससे उसकी जान बच सके और रास्ते में उसे कोई परेशानी ना हो।